एसबीटी न्यूज पर पेश है श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ की टॉप 10 खबरें। श्रीगंगानगर में श्रावण का चौथा सोमवार को धर्म संस्कृति और श्रद्धा का दिन रहा। संयोग से बकरीद और सावन का आखिरी सोमवार होने के कारण इलाके में दिन भर धार्मिक आयोजनों का सिलसिला चला। मस्जिदों में सुबह बकरीद की नमाज अदा की गई तो शिवालयों में भगवान शिव शंकर का जलाभिषेक किया गया। श्रीगंगानगर अबोहर रेलवे मार्ग पर गांव फतुही के निकट आज सुबह रेलगाड़ी से कटने पर एक व्यक्ति की मौत हो गई। जीआरपी ने शव को जिला अस्पताल के मुर्दा घर में रखवाया है। मृतक की आज दोपहर तक पहचान नहीं हो पाई थी। अनूपगढ़ उप कारागृह में जेल प्रहरी ने एक बैरक से मोबाइल सिम और चार्जर बरामद किया। इस मोबाइल का उपयोग कौन सा बंदी कर रहा था इसकी जांच पड़ताल की जा रही है। पुलिस ने जेल प्रहरी मोटाराम की रिपोर्ट पर अज्ञात बंदी के खिलाफ 42 कारागृह संशोधन अधिनियम विधेयक 2015 में मुकदमा दर्ज किया है। श्री गंगानगर के श्री विजयनगर कस्बे में शनिवार रविवार देर रात पिस्तौल की नोक पर लूटपाट करने वाले लुटेरों के बारे में पुलिस सुराग जुटाने का प्रयास कर रही है। पुलिस ने इलाके के सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाल कर सुराग जुटाने का प्रयास कर रही है। इस वारदात को अंजाम देने वालों की धरपकड़ के लिए पुलिस की विशेष टीम गठित की गई है। जानकारी के अनुसार बनवारी लाल कुब्बा के घर में रविवार देर रात करीब 2:30 बजे चार नकाबपोश युवक घर में घुस आए, घर के लोगों के साथ मारपीट की और महिला की सोने की बालियां लूट ली, साथ ही 60,000 रुपए भी लेकर फरार हो गए। हनुमानगढ़ जिले के पल्लू पुलिस थाना क्षेत्र के गांव चांदेड़ी बड़ी के निजी स्कूल में जहर देकर छात्रा की हत्या करने के मामले में जांच करने आज सुबह पुलिस उप अधीक्षक और एसएचओ मौके पर पहुंचे। पुलिस अधिकारियों ने आसपास के लोगों से भी बातचीत करके घटनाक्रम के बारे में जानकारी जुटाई। खाद्य पदार्थों में मिलावटी करने के खिलाफ कार्रवाई करने के बाद स्वास्थ्य विभाग इनकी रिपोर्टिंग में जुटा हुआ है। रिपोर्ट तैयार करने के बाद विभाग की ओर से कार्रवाई के दौरान लिए गए सैंपलों को जांच के लिए लैबोरेटरी में भिजवाया जाएगा। सीएमएचओ डॉक्टर गिरधारी लाल मेहराडा ने बताया कि विभाग की टीम ने पिछले 3 दिनों तक लगातार अभियान चलाकर खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता जांची। कई जगह पर मिलावट के संदेह में विभागीय अधिकारियों ने खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए। 9 से लेकर 11 अगस्त तक स्वास्थ्य विभाग ने जिला मुख्यालय और लालगढ़ में कार्यवाही करते हुए 60 से अधिक स्थानों पर कार्यवाही करते हुए जांच के लिए 13 सैंपल इकट्ठे किए। श्रीगंगानगर में 2 व्यापारियों द्वारा बैंक से 5.5 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने के मामले में जवाहरनगर पुलिस बैंक से रिकॉर्ड तलब करेगी। 2 दिन का अवकाश होने पर पुलिस अभी तक बैंक से रिकॉर्ड हासिल नहीं कर पाई है। गौरतलब है कि श्रीगंगानगर के बीरबल चौक स्थित पीएनबी बैंक के मैनेजर ने 2 लोगों के खिलाफ 5.5 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज करवाया था। मुकदमे की जांच चल रही है। श्रीगंगानगर जिले के जैसर पुलिस थाने में दर्ज करवाए गए मुकदमे में अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही करने और गौवंश की हत्या कर खेत में दफन किए गए स्थान की खुदवाई की मांग को लेकर सर्व समाज संघर्ष समिति ने जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन दिया और रोष प्रकट किया कि अभी तक आरोपी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई है और न ही आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। श्रीगंगानगर शिक्षा विभाग में डेप्यूटेशन पर नियुक्त पीटीआई ओम प्रकाश शर्मा द्वारा 38 करोड़ का घपला करने के मामले में पुलिस की जांच अभी लंबित है। आरोपी का कल मंगलवार को रिमांड समाप्त हो रहा है, ऐसे में उसे अदालत में पेश करके तीसरी बार रिमांड पर लिया जाएगा। आपको बता दें कि इससे पहले भी कोर्ट में पेश करके 5 दिन के और रिमांड पर लिया गया था। अभी आरोपी से पूछताछ चल रही है, कल रिमांड समाप्त होने पर उसे अदालत में पेश करके रिमांड पर लिया जाएगा। इस बार रक्षाबंधन पर्व पर पूरे दिन भाइयों की कलाई पर राखियां बांधी जा सकेंगी, क्योंकि भाई बहन के स्नेह के रक्षाबंधन पर्व पर इस बार भद्रा का साया नहीं है। इस बार रक्षाबंधन का त्यौहार 15 अगस्त को मनाया जाएगा। आपको बता दें कि इस बार लंबे समय के बाद सावन महीने में 15 अगस्त के दिन चंद्र प्रधान श्रवण नक्षत्र में स्वतंत्रता दिवस और रक्षाबंधन का संयोग एक साथ बन रहा है। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसबीटी न्यूज़ को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।